गर्मियों में आइसक्रीम खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। फिर वो आइसक्रीम चाहे मलाई वाली हो, केसर पिस्ता हो, मैंगो हो या फिर पान आइसक्रीम हो, सारी आइसक्रीम गर्मियों में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पान आइसक्रीम, बिल्कुल मार्केट स्टाइल, वो भी घर पर। आप घर पर पान आइसक्रीम मार्केट स्टाइल से भी बहुत अच्छी बना सकते हैं और सॉफ्ट बहुत ज़्यादा है। इसको खाकर आप और आपके परिवार वाले बहुत खुश हो जाएंगे। और इस आइसक्रीम को बनने में मात्र 15 से 20 मिनट लगते हैं। तो चलिए आज की हम ये मज़ेदार सी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पान कुल्फी बनाने के लिए मैंने लिया है 1/2 लीटर कच्चा दूध। मैं कुल्फी 1/2 लीटर की बना रही हूँ। अगर आपका उबला हुआ दूध है तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, मेरा कच्चा है तो मैं पहले दूध में उबाल लूँगी। दूध में उबाल आने लगी है, मीडियम गैस पर करके हम दूध को आधा होने तक उबाल लेंगे। याद रखें, कभी कभी दूध तली में लग जाता है और लगे हुए दूध की कुल्फी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो बीच बीच में दूध को आप हिलाते रहें। जब तक हमारा दूध उबल रहा है तब तक हम इसकी थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं। मैंने लिया है 1 कप नॉर्मल टेम्परेचर का दूध। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर और 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिला देंगे। मेरी स्पून 1/2 टेबल स्पून की थी, इसलिए मैंने 2 स्पून का यूज किया है, आप कंफ्यूज ना हो। दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिला देंगे। विस्कर अगर आपके पास है तो आप आइसक्रीम बनाने में उसी का यूज करें, उससे गुठले नहीं पड़ते और आइसक्रीम हमारी स्मूथ टेक्सचर की बनती है। अच्छे से दूध में सारी चीज़ें मिल गई हैं, इसको हम साइड से रख देंगे। अब हम बनाने जा रहे हैं पान आइसक्रीम का पेस्ट। मैंने लिया है 1/2 लीटर दूध में 1 पान का पत्ता। इसको मैंने धोकर साफ़ कर लिया है। इसके हम कैंची से बारीक टुकड़े कट कर लेंगे। आप पान का टेस्ट चेक करके देख लें, आपके पान का फ्लेवर स्ट्रॉन्ग है या फिर लाइट है, उससे भी आइसक्रीम में बहुत फ़र्क पड़ता है। मैंने लिया है 1 चम्मच गुलकंद और 1/2 चम्मच मैंने लिया है सौंफ पाउडर, आप सौंफ भी ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम मिक्सी में एक बारीक पेस्ट होने तक रेडी कर लेंगे। पान का पेस्ट बनकर रेडी है, इसको हम चेक करते हैं। पान का पेस्ट अभी ड्राई है तो ये देखिए कुछ ऐसा मोटा पिस गया है। इसमें हम ऐड करेंगे जो हमारा दूध उबल रहा है ना गरम, उस दूध को थोड़ा सा ऐड कर देंगे जिससे ये पेस्ट और अच्छे से बारीक पिस जाए। याद रखें, आपको पानी नहीं ऐड करना है। अगर आप पानी ऐड करेंगे तो आपके आइसक्रीम का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। देखिए पेस्ट हमारा अब कितना अच्छे से पिस कर रेडी है, ये बिल्कुल बारीक हो गया है। इसको अब हम कर देंगे साइड से। अब हम चलते हैं अपनी दूध की प्रोसेस पर। दूध भी हमारा लगभग आधा हो गया है, इसको हम तेज आंच पर और अच्छे से उबाल लेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, वो भी बिल्कुल फ्री में। आप मुझे फ्री में सपोर्ट कर सकते हैं और उसके बदले में मैं आपके लिए ऐसी ही टेस्टी टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी लाती रहूँगी। दूध में अच्छे से उबाल आ गई है। इस दूध में ऐड करेंगे हम अपना मिल्क पाउडर और कॉर्नफ्लावर वाला मिल्क। इसको डालते से ही दूध में उबाल आनी बंद हो जाएगी। तो आपको इस टाइम पर गैस को अपनी तेज कर देना है और दूध को हमें लगातार चलाते हुए हिलाना है। कॉर्नफ्लावर तली में बहुत जल्दी बैठता है तो अब आपको दूध को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कराने देना है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 7 से 10 केसर के धागे। केसर डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, पर केसर से कलर और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। केसर डालने के बाद दूध को हम लगातार हिलाते रहेंगे जिससे दूध भी तली में ना लगे और केसर भी अपना कलर अच्छे से छोड़ दें। दूध में उबाल अच्छे से आने लगी है। मैंने इसमें ऐड किया है अपने पान वाला पेस्ट।
पान वाले पेस्ट को डालने के बाद गैस को हम तेज कर देंगे, जिससे उबाल भी जल्दी आ जाएगी और हमने जो पान का पेस्ट डाला है ना, वो तेज आंच पर जल्दी से पक जाएगा, जिससे पान का जो कच्चापन सा है ना, वो भी चला जाएगा और पान का बहुत अच्छा फ्लेवर हमारी आइसक्रीम में आ जाएगा। दूध को हम लगातार चलाते रहेंगे, 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से उबाल लेंगे। 5 से 10 मिनट हो गई हैं और दूध हमारा पककर काफ़ी गाढ़ा हो गया है। गैस को हम कर देंगे इस टाइम पर बंद। अब इसमें हम ऐड करेंगे चीनी। आप कोई भी स्वीट डेजर्ट बनाएं, उसमें हमेशा चीनी गैस बंद करने के बाद ही डालें। चीनी पानी छोड़ती है तो आइसक्रीम का दूध पतला कर देगी, तो आप इस बात का ध्यान रखें। मैंने इसमें चीनी ऐड की है 1/2 कप। मैं मीठा कम खाती हूँ तो मैंने मीठा थोड़ा कम ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी चीनी को ऐड कर सकते हैं। चीनी को हम अच्छे से घुलने तक दूध को चलाते रहेंगे। अब इस दूध को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। दूध हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है और देखिए ठंडा होने के बाद कितना अच्छा गाढ़ा हो गया है। अगर आप चाहें तो इसमें हरा रंग मिला सकते हैं। मुझे कलर वाली आइसक्रीम बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो मैंने नहीं ऐड किया है। अगर आप करना चाहें तो हरे कलर को ऐड कर सकते हैं। ग्राइंडर से हम इस दूध को अच्छे से फेंट लेंगे। अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं है तो आप मिक्सी के जार का भी यूज कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट तक हम दूध को अच्छे से फेंट लेंगे। दूध हमारा अच्छे से फिट कर रेडी है। दूध फिटने के बाद ये कितना अच्छा स्मूथ कंसिस्टेंसी का हो जाता है। अब इसमें मैंने ऐड किए हैं बारीक कटे हुए मिक्स ड्राई फ्रूट। ये ड्राई फ्रूट टोटल ऑप्शनल है, पर इसके साथ ये आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है। आप एक बार पान आइसक्रीम ड्राई फ्रूट की बना के देखना। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो या फिर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है। और नीचे जो बेल आइकन का बटन दिया है ना, उसको भी आप प्रेस कर देना, जिससे जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। मैंने सारे कुल्फी के मोल्ड में ये बैटर भरकर रेडी कर लिया है। मेरे पास ये ऐसा छोटा ढक्कन टाइप है, इसमें भी मैं अपनी आइसक्रीम सेट कर दूंगी। ठेले पर जो कटी हुई आइसक्रीम हमें मिलती है ना, मैं बिल्कुल उसी तरह से बना रही हूँ। आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी जार में आइसक्रीम को सेट कर सकती हैं। सारी आइसक्रीम का दूध मेरा आइसक्रीम मोल्ड में भरकर रेडी है। इनको हम फ्रीजर में 1 से 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। 1 से 2 घंटे हो गए हैं और देखिए हमारी आइसक्रीम कितनी बढ़िया जमकर सेट हुई है। ऐसे ही हमारी और भी आइसक्रीम जमकर बढ़िया से सेट हो गई है। जो हमने ढक्कन में आइसक्रीम सेट करी थी ना, वो भी अच्छे से सेट हो गई है। चलिए अब हम आइसक्रीम को डीमोल्ड करते हैं। डीमोल्ड के लिए पहले कुल्फी के सेंटर में हम ऐसे स्टिक लगाएंगे। थोड़ी सी आधे सेकंड के लिए हम ऐसे पानी में घुमाएंगे, जिससे स्टैंड कुल्फी को छोड़ दे। देखिए लग रही है ना एकदम से मार्केट स्टाइल, कितनी क्रीमी हमारी पान आइसक्रीम बनकर रेडी हुई है, वो भी बिना केमिकल के। ऐसे ही हम अपनी ढक्कन की निकालेंगे। मेरे पास ये कुछ आइसक्रीम की स्टिक्स हैं, इनको हम सेंटर में ऐसे लगा देंगे। अगर आप एक ढक्कन में 4 निकालना चाहें तो आप 4 स्टिक लगाएं, मैं यहाँ पर 2 लगा रही हूँ। इनको हम ऐसे अंदर तक घुसा देंगे। थोड़ा सा हम पानी में इसको घुमाएंगे, जिससे आइसक्रीम हमारी आसानी से निकल जाए। थोड़ा सा प्रेस करके हम इनको खींचेंगे और देखिए कितनी बढ़िया और क्रीमी हमारी पान आइसक्रीम बनकर रेडी है। कौन कह सकता है कि ये आइसक्रीम हमने घर पर बनाई है। मैं आपको ये कुल्फी कट करके दिखाती हूँ। देखिए कितनी आसानी से हमारी ये कुल्फी कट कर रेडी हो गई है। कितनी क्रीमी है ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं इसको काटने वाले प्रोसेस से। तो अब आप भी बनाइए अपने घर पर क्रीमी क्रीमी सी
ये पान आइसक्रीम। वैसे तो इस आइसक्रीम को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कोई एक्स्ट्रा डेकोरेशन की, पर वीडियो में ये आइसक्रीम और भी ज़्यादा अच्छी लगे इसलिए मैंने इसको ड्राई फ्रूट थोड़े से स्प्रिंकल कर दिए हैं। तो अब आप भी बनाइए अपने घर पर अपने परिवार के लिए ये क्रीमी क्रीमी सी पान आइसक्रीम, और अपने कमेंट मुझे बताना बिल्कुल ना भूलना। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अब आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं हम ऐसे ही एक मजेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।